सो हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी पर। आज मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं किस से कैसे आप लोन ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपना इसमें नंबर आप फिलअप कीजिए। जैसे कि देख सकते हैं इसमें नंबर हम डाल दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं भाई साहब। यहाँ पर हमारे मोबाइल पर यहाँ पर जस्ट OTP आएगा, तो OTP को अभी यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए भाई, यहाँ पर OTP हमारे मोबाइल पर आ चुका है। इसमें चलिए हम अपना OTP यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख कर इंटर करना पड़ रहा है भाई, ये उठा तो नहीं रहा है। चलिए लोडिंग ले रहा है भाई, उठा लिया। चलो भाई उठा लो जल्दी ये एप्लीकेशन, जैसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नाम मांगेगा आपका नाम, उसके बाद ऊपर में ईमेल आईडी यहाँ पर आप शो कर रहा है। चलिए यहाँ पर अपना नाम डाल दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर नाम डालने के बाद जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर जैसे कि डालना होता है। सबसे पहले आपको मतलब कि अपना इसमें ईमेल आईडी डाल दीजिए, ठीक है। सबसे पहले अपना ईमेल आईडी इसमें डालिए। यहाँ पर हो चुका, देखिए ईमेल आईडी यहाँ पर हम डाल दिए। उसके बाद चलिए यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद चलिए अलाउ परमिशन ये सारा कुछ हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हो चुका भाई साहब, जैसा कि देख सकते हैं सब सारा कुछ हो चुका है परमिशन। उसके बाद जैसा देखिए गेट अप यहाँ पर क्रेडिट अप टू इतना लेट स्टार्टेड यहाँ पर कर देते हैं। चलिए यहाँ पर कर दिए, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। उसके बाद जैसा देख सकते हैं यहाँ पर आपको पैन कार्ड इसमें इंटर करना पड़ेगा। पैन कार्ड यहाँ पर नंबर अपना इंटर इसमें कीजिए। आप मतलब कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि कहीं पर गलती हो रहा है नहीं, बारीकी से आप अपना इसमें पैन नंबर इसमें इंटर करना है आपको। चलिए बारीकी से यहाँ पर पैन नंबर इसमें इंटर कर देते हैं। उसके बाद चलिए कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लीज़ वेट यहाँ पर ऑप्शन आता है, उसके बाद आ गया है। उसके बाद फर्स्ट नेम मिडिल नेम डाल देना है, ये डाल दिए। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। यहाँ पर ये भी हो चुका है आपका जन्म कब हुआ है, चलिए ये भी हम डाल दिए कब हमारा भाई जन्म हुआ है। उसके बाद चलिए यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद आप शादीशुदा है नहीं है, आप फादर्स नेम आपका फादर्स नेम इसमें डालना है। चलिए फादर्स नेम इसमें हम अपना इंटर इसमें कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप वेट करते रहिएगा। कंटिन्यू यहाँ पर कर दिए हैं। यहाँ पर किस्त एप्लीकेशन का यहाँ पर लोगो आ चुका है, लिखा हुआ यहाँ पर आ चुका है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखते हैं अगला प्रोसेस क्या होता है। तो आप बने रहिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो में बने रहिए। ये नहीं कि मतलब कि बीच से वीडियो छोड़कर भाग जाइएगा, यहाँ पर ये आप काम मत कीजिएगा। पूरा कंप्लीट तक वीडियो में बने रहिएगा, पूरा लास्ट तक आप देखते रहिएगा। तो चलिए दोबारा यहाँ पर ट्राई हम करते हैं भाई, उसके लिए नहीं लिया था वो हो चुका। तो गाइस जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पूछा कि मतलब क्या काम करते हैं, कितना मंथली कमाते हैं, ये सब सारा कुछ हम डाल दिए हैं। उसके बाद चलिए प्रोसीड वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर ठीक है, प्रोसीड वाला ऑप्शन पे जस्ट हम क्लिक करते हैं। थोड़ा सा वेट में बने रहिएगा। मंथली आउटिंग यहाँ पर EMI यहाँ पर ये पूछ रहा है कितना मंथली यहाँ पर EMI मतलब कि ये होता है, मतलब कि देंगे कि नहीं देंगे, मतलब ये सारा कुछ पूछ रहा है। चलिए भी हम कर दिए कितना मंथली EMI। उसके बाद प्रोसीड हम कर दिए। उसके बाद जैसे देखिए यहाँ से प्रोवाइड यहाँ पर फ़ोन नंबर मांग रहा है, रिफरेंस फॉर वन फैमिली का, ये देखिए रिफरेंस टू फ्रेंड ये सब मांगता है। इसलिए मांगता है ताकि मतलब कि आपको ब्लैकमेल कर सके, आप रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपके फ्रेंड पर या आपके फादर्स पर जितना भी ये नंबर इसमें दिए होंगे ये सब नंबर पर मतलब कि ब्लैकमेल कर सके। रिफरेंस 1, 2 या 3 यहाँ पर यही सब मांगेगा। ऊपर से तो ये मांगबे करेगा, लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट भी है, ये सब एप्लीकेशन हैक करता है। कोई भी NBFC रजिस्टर एप्लीकेशन से लीजिएगा तो सारा कुछ कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक कर लेता है, नंबर तो लेगा ही। जैसे 7 दिन वाला एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, सब सेम ऐसा ही ये सब का कहानी है। वैसा ही मतलब कि हैक करेगा, वैसा ही कॉल मैसेज करेगा, वैसा ही सारा कुछ मतलब कि आपके साथ करेगा। तो ये सब एप्लीकेशन ऐसे ही मतलब कि ये सब वर्क करता है। तो पूरा लास्ट तक का वीडियो देखते रहेगा। ये सब सारा कुछ हम अपना फिलअप कर दिए हैं। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पर नंबर मांग रहा है भाई, तो आधार कार्ड नंबर इसमें हम डालते हैं। चलिए लास्ट तक आप बने रहिएगा। देखिए आधार कार्ड यहाँ पर नंबर हम डालते हैं। चलिए वेट कीजिए, यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालते हैं। तो चलिए आधार कार्ड नंबर यहाँ पर जैसे कि देखिए हो गया। उसके बाद दोबारा से मिलाकर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल रहे हैं। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर पूछ रहा है आपका कैप्चा कोड क्या है। चलिए कैप्चा कोड को भी यहाँ पर हम इंटर करते हैं। पूरा लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, पूरा लास्ट तक, ये नहीं कि बीच में छोड़कर भाग जाइएगा, पूरा लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद जैसे कि देखिए आपके मोबाइल पर OTP आया होगा, जिस मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक होगा उस मोबाइल पर OTP आया होगा। चलिए OTP डालकर कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर जस्ट हम क्लिक कर देते हैं भाई साहब।
उसके बाद ये करने के बाद जैसा कि देखिए ओटीपी मतलब कि नहीं लिया, दोबारा हम ओटीपी यहाँ पर डाल रहे हैं, दोबारा ओटीपी डाल रहे हैं भाई। उसके बाद ये हो चुका है अलाउ करने के लिए, मांगा डिजी लॉकर से यहाँ पर ऐप, उसके बाद ये भी अलाउ हो चुका है। उसके बाद डिजी लॉकर से ये डॉक्यूमेंट मतलब कि वेरीफाई हुआ। उसके बाद जैसे कि देखिए यहाँ पर, उसके बाद जैसे देखिए फेस के लिए मांगा, देखिए रिव्यू योर फेस, जैसे कि आपको नहीं बोले 7 दिन वाला अप्लीकेशन है, 7 दिन वाला जो अप्लीकेशन नहीं है वैसा ही सेम ये वर्क करता है सब। 7 दिन वाला अप्लीकेशन से मतलब कि आप लोन लेते हैं तो कैसे ये सब सेल्फी वेल्फी है, वीडियो सेल्फी है, जो भी 360 पर मांगता है तो ऐसा ही 7 दिन लेखा मतलब कि एप्लीकेशन मांगता है। तो जैसे कि देखिए रिव्यू कंप्लीटेड हो गया है, उसके बाद लोडिंग यहाँ पर ले रहा है, पूरा लास्ट तक आप बने रहिएगा। ये लोडिंग भाई साहब यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे देखिए लोडिंग यहाँ पर हो, वेरीफाइड हो रहा है, थोड़ा सा वेट आप कीजिएगा तो वेरीफाइड यहाँ पर हो चुका, कन्फर्म यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोडिंग यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं लोडिंग का। उसके बाद जैसे देख सकते हो वेलकम ऑन ब्रॉड, यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक किया जाता है, आपको 7,500 यहाँ पर लोन मिलेगा। जैसे देखिए एड न्यू बैंक, आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पर आ चुका है, 7,500 आपको लोन मिलेगा भाई साहब। चलिए यहाँ पर एड न्यू बैंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप मतलब कि लोन के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा कुछ हम कर रहे हैं, पूरा लास्ट तक आप बने रहिएगा कैसे कैसे हम कर रहे हैं, और पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। देखिए यहाँ पर पहले पढ़ लीजिएगा, 24 फरवरी को लोन ले रहे हैं, उसके बाद जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 7,500 हमको पैसा देगा, वो भी 15 दिन के लिए, कितना इंटरेस्ट कटेगा, कितना क्या कटेगा, यह सब इसमें शो करता है। लेकिन आप रिपेमेंट नहीं कीजिएगा ना, इसे बढ़ा बढ़ा कर इंटरेस्ट काटेगा सब, इसे ज़्यादा बढ़ा बढ़ा कर ये सब शो करने के लिए झूठ बूठ का ये सब शो करवाता है सब। लेकिन मतलब कि रियलिटी कुछ और आता है, जैसे नहीं रहता है कि रियल में कुछ और है, देखिए ये एक्सपेक्टेशन कुछ और किए हैं लेकिन रियलिटी में कुछ और है, तो ये वैसा ही ये सब है, वैसा ही ये सब है, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए ऐड न्यू बैंक पर ये IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, उसके बाद आपका अकाउंट सेविंग है, करेंट है या अदर है या ओवर डिफॉल्ट है, यहाँ पर डफ्ट है, यहाँ पर देखिए ठीक है, ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट भाई गलती यहाँ पर पढ़ा गया है, ड्राफ्ट है, कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपना ये सब सारा कुछ हम डालेंगे, उसके बाद आप बने रहेगा, पूरा लाइव आप बने रहेगा, आप ही के साथ यहाँ पर डालेंगे, ये नहीं कि मतलब कि बीच में कट 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 कर 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 मतलब कि ये वीडियो बना रहे हैं, सारा लाइव यहाँ पर वीडियो हो रहा है। बस यही आपको करना है कि पूरा लास्ट तक आपको ये वीडियो देखते रहना है, पूरा कम्प्लीट तक आपको वीडियो देखते रहना है। आप पूरा कम्प्लीट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए आपके पास मतलब कि कोई भी बैंक इसमें डाल सकते हैं, ये बात नहीं है ना कि उसी बैंक को, अपना ही बैंक को डालना है, किसी और का भी बैंक आप डाल सकते हैं। चलिए अपना बैंक हम इसमें डालना स्टार्ट अभी कर दिए हैं, IFSC कोड ऊपर में डाल रहे हैं, तो आप मतलब कि ध्यान ही पूर्वक से डालिएगा, ये नहीं कि मतलब कि गलत सलत हाली हाली जल्दी जल्दी के चक्कर में आप गलत सलत डाल दीजिएगा। इसीलिए हम धीरे 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 हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सबको पूरा कन्फर्म मतलब कि दिखाई दे और सुनाई भी दे, इसीलिए ये नहीं कि मतलब कि जल्दी 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 6 मिनट का वीडियो बनाए और डाल दिए, मेन चीज़ दिखाइबे नहीं किए। तो ये सब सारा कुछ मेन चीज़ है भाई, आप देखते रहिए। अकाउंट नंबर हम डाल दिए, उसके बाद कन्फर्म अपना अकाउंट यहाँ पर कर रहे हैं, पूरा लास्ट तक बने रहेगा। कोई भी मतलब कि क्या है कि हम मतलब कि इसमें कट पेस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, पूरा मतलब कि जो मतलब कि रियलिटी है वही सारा कुछ मतलब कि यहाँ पर हम शो करवाएंगे और आप सबको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हम डाल दिए हैं जो भी हमारा नाम है अनुराग सिंह, पर अनुराग सिंह हम अपना नाम इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद सेविंग है भाई साहब, उठा लिया स्टेट बैंक ऑफ यहाँ पर इंडिया। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड हम करते हैं, देखिए अकाउंट नंबर मिसमैच हो गया, यही हुआ ना, हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो हमारा मिसमैच हुआ, लेकिन आप समझिए कि जल्दी जल्दी करेंगे तो कितना जल्दी मतलब कि ये सारा कुछ गलती हो सकता है, तो आप मतलब कि मिसमैच मत कीजिएगा, ठीक है, आप मिसमैच मत कीजिएगा, आप आराम से धैर्यपूर्वक रखकर आप आराम से धीरे 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 आप ये काम आप कीजिएगा, आप हाली के चक्कर में मत रहिएगा, हाली के चक्कर में जस्ट आप रहिएगा तो सारा कुछ आप गवा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मतलब कि हम कर रहे हैं भाई साहब, पूरा लास्ट तक आप बने रहिए, पूरा लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब आप करते रहिए। प्लीज वेट का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, जैसे देखिए हम डाल दिए थे सही, प्लीज वेट का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, वेट कर लेते हैं भाई, वेट करने में क्या जाता है, वेट यहाँ पर कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे अकाउंट में यहाँ पर वेरीफाई हो गया है,
प्लीज मैं यहाँ पर जैसा देख सकते सारा कुछ लिख दिया है, गेट माई मनी नाउ। यहाँ पर मनी नाउ का मतलब गेट कर दिया है कि आप गेट ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर गेट हम कर देते हैं भाई, गेट कर देते हैं। पूरा आप पढ़ लीजिए, पूरा आप इसके बारे में कितना इंटरेस्ट कटेगा, कितना सब्सक्रिप्शन फीस, उसके बाद जैसे देख सकते हैं ये कितना क्या कटेगा, कितना क्या कटेगा, तो सारा कुछ आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए देखिए पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे देखिए अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद जैसे देख सकते हैं 1 रुपया मतलब उधर से वो भेजा है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, आपका एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए भेजा है, लेकिन मतलब कि पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रोसेस, ये प्रोसेस में अभी है भाई, अकाउंट में पैसा हमारे जल्द से जल्द अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन हम आपको बता दिए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। 24 घंटा वेट कर लीजिए, 24 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आसानी से पैसा आ जाएगा। तो चलिए गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा, तो लाइक कर दे। देखिए हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, ऊपर में जैसे देख सकते हैं 5000 कुछ हमारे अकाउंट में पैसा आ गया है। ऊपर में देख लीजिए वहाँ पर नोटिफिकेशन आया है ना, उसको देख लीजिए पूरा कन्फर्म, कोई भी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चलिए हम आपको बता दिए कैसे आपको मतलब कि पैसा लेना है, कैसे आपको लोन लेना है, सारा कुछ हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए। बाकी आपके मन में डाउट होगा तो हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, टेक्निकल जी पर हमारा इंस्टाग्राम है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, ठीक है। हमारा सब्सक्राइबर कम है, ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल एक था डिलीट हो गया, उसको सब्सक्राइबर कम है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब आप लोग नहीं जाइएगा। जय हिंद, जय।